ପଢଉଛି ହେବେ। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज आम स्टार्ट करवा डे थ्री, ठीक अच्छे। ये सीरीज आम कंटिन्यू चली जो थे कि आम प्रत्येक दिन 10 आरिथमेटिक क्वेश्चन सॉल्व करूचे, ठीक अच्छे। तो 10 आरिथमेटिक क्वेश्चन प्रत्येक दिन ये सीरीज के बंद हमने वर्तमान आम टिल एग्जाम पर्यटन ये कंटिन्यू रही है। तो टाइम बेस वेस्ट करवानी, डायरेक्ट जी आम क्वेश्चन नंबर वन को चलो। तो देख क्वेश्चन नंबर वन मत कौन दे क्वेश्चन नंबर वन दे सबकीपर बट 8 जीन्स फॉर रुपीज एक्स, 5 of them are damaged and it is sold at a loss of 20% and the remaining jeans are sold at a profit of 25%. The total selling of all the jeans together is 9300. That means, sir, mo pakare 8 ta jeans ru 5 jeans mo pakare kon heichi na sir 20% loss re bikuchi kahina damage hei gala mo pakare rahila keta ho kon sir 3 by 8 rahila याकु वर्तमान मुझे कौन करुच्ची ना सर 25% प्रॉफिट रे बिकुच्चे। तो मत को ओवरऑल के प्रॉफिट या फिर लॉस हो जाए सर 100 माइनस 75 प्लस दैट मीन सर 25 डिवाइडेड बाय 800 रो कौन हो पाखे ना सर लॉस हो। तो कॉस्ट जदि मो पाखे 800 अच्छे तो 25 रो लॉस दैट मीन 775 मुझे सेल करी। सेलिंग प्राइस टोटाल देती कैसे मत ना सर 9300 8টার কস্ট প্রাইস যদি 800 তো গোটার কস্ট প্রাইস কত হবে না স্যার 100 তো এখন যদি আমি ক্যানসেল করছি কত আসবে কোন না স্যার 12 তো এখন মাল্টিপ্লাই করলে মোর আনসার কত আসলো অপশন নাম্বার সি দ্যাট মিন্স 1200 টাকা। আই হোপ কি এই কোশ্চেন বর্তমান ক্লিয়ার হয়ে যাইতো। এই কোশ্চেন আমার কোন আছে না স্যার প্রফিট এন্ড লস বাই পার্টস ক্লিয়ার। যাবা কোশ্চেন নাম্বার 2 কো দেখা কোশ্চেন নাম্বার 2 পাইপ এ বি এন্ড সি টুগেদার ক্যান ফিল এ ট্যাঙ্ক In 20/3 days, pipe A and B together can fill the tank in X days, and pipe C alone can fill the tank in X 5x by 4 days. That means, देखो A और B कितने दिन में fill करते हैं? X दिन रहे तो गोटे दिन रहे कितने fill करेंगे? 1/x plus C मोरो कौन करते हैं ना सर 5x by 4 days रहे fill करते हैं तो गोटे दिन रहे कितने fill करेंगे? ना सर इतनी की fill करेंगे। तो टोटल मिसिकर केते दिन रे फिल अप करू जंदे को ना सर 20/3 डेज रे तो गोटे दिन रे केते फिल करिवे ना सर 3/20। तो एबे मो पकर वैल्यू केते आसीबो 5x या 4x दैट मींस 9 डिवाइडेड बाय मो पकर रहबो केते ना सर 5x इज इक्वल टू मो पर वैल्यू केते आछ ना सर 3/20। अच्छा 5 रे कैंसिल कर लिए 4 टाइम्स 3 रे को कैंसिल कर लिए 3 टाइम्स तो x रे वैल्यू आसेला केते को ना सर 12। क्वेश्चन मते देई छी कोन क्वेश्चन देई छी फाइंड द टाइम टेकन बाय pipe B alone to fill the tank if pipe A alone fill the tank in 30 days. That means jodi 30 din re A tank ko full karuji to gote din re 1/30 full karibo B kete fill karibo mate jana nahi kintu di jana misikiri kete din re fill korthila na sir 1/x that means 1/12 that implies it value kete asibo ko na sir 1/b is equal to 1/12 minus 1/30। तो एलसीएम केते हो गला मते कहो वर्तमान ना सर 60 तो एठो मो पकरे 5 माइनस 2 दैट मींस 3/60 तो केते आसीबो ना सर 1/20 दैट मींस बी एकुटिया काम केते दिन शेष करिवो ना सर ऑप्शन नंबर डी इज माय करेक्ट आंसर 20 दिन शेष हो। क्लियर क्वेश्चन नंबर 2 को जेबा देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 देला ए वेसल कंटेन x लीटर ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:5 रेशियो केते अछि मो पखरे 7:5 अछि 24 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट मिक्सचर रो मिक्सचर बाहर ले मिक्सचर रेशियो रे बाहरिबो एवं जहां बळिबो मो पखरे से मिक्सचर रेशियो रे ही बळिबो तो रहिला केते मो पखरे 7:5 देन द पर कंडीशन वेसल इज फिल्ड विथ 16 लीटर ऑफ द वाटर इज एडेड दैट मींस एबे वर्तमान 16 लीटर वाटर एड हला तो रेशियो केते हि जाइछ मते वर्तमान को 1:1। अच्छा मते को वाटर एड हि जी तो मिल्क रो क्वांटिटी रे फरक आसीबोनी दैट मींस आको हम 7 रे मल्टीप्लाई करबा तो रेशियो केते हि गला सर 7:7 केते यूनिट रो चेंज हि जी ना सर 2 यूनिट रो चेंज हला क्वेश्चन ने 16 देइथला तो 1 यूनिट रो वैल्यू केते आसीबो को ना सर 8 जदि 1 यूनिट रो वैल्यू 8 हला तो एठी 12 यूनिट रो वैल्यू केते जइबो को ना सर 96 24 लीटर बाहर कोला पर 96 तो ओरिजिनली केते थला मो पखरे ना सर 120 लीटर ऑप्शन नंबर डी इज माय करेक्ट आंसर। क्लियर क्वेश्चन देला कोन ना सर प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 40% मोर देन द एज ऑफ बी आफ्टर 4 ईयर एंड द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ बी टू सी इज 4:5 दैट मींस बी रो जदि प्रेजेंट एज मो पखरे 4x अछि तो सी रा प्रेजेंट एज मो पाखरे केते जइबो 5x। अच्छा बी रा प्रेजेंट एज रो 4 वर्ष ऐड करले ए रो एज कोन हो ना सर तारो 40% अधिक एति के देथला मते देन क्वेश्चन देजी कोन ना सर ए इज 8 इयर्स ओल्डर देन सी
ए मोर कौन हम ना सर ए मोर आठ वर्ष बड़ अच्छे क्या ठार् ना सर सी ठार् बड़ अच्छे तो माइनस करदे ये आसला मो पाखे आठ तो देख वैल्यू के सर 28x प्लस 28 माइनस 25x इज इक्वल टू 40 दैट मीन 3x वैल्यू के 12 तो एक्स रैल्यू के ना सर 4 क्वेश्चन पचार फाइंड द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी अच्छा बी रो एज के ना सर 4x दैट मीन 16 ए रो एज के प्रेजेंट एज के ना सर 16 4 20 रे कैंसिल कले के 4 428 तो टोटल ऐड कले वैल्यू मोर के ना सर 44 ईयर दैट मीन ऑप्शन नंबर ए इज माय करेक्ट आंसर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देख क्वेश्चन दला रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 4:1 एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर इफ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 32 सेंटीमीटर पेरीमीटर माने सर 4a 4a रो वैल्यू 32 तो a रो वैल्यू केते आसीबो 8 जदि a रो वैल्यू 8 आसला मो पकरे क्वेश्चन देथले एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट मींस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल केते आसीबो 64 तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल भी केते होबो मो पकरे ना सर 64 कैना स्क्वायर रो एरिया जहां होबो रेक्टेंगल रो एरिया से होबो देन मते क्वेश्चन कोन दिजे ना सर क्वेश्चन मते देथला देन व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल अच्छा को लेंथ इनटू ब्रेथ हमें कोन जानि छ ना सर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल लेंथ ऑफ ब्रेथ रो रेशियो मो पहरे केते अछि ना सर 4:1 दैट मींस सर 4x इनटू x इज इक्वल टू 64 4 रे को कैंसिल करले 16 तो x रो वैल्यू केते आसीबो ना सर x रो वैल्यू 4 जदि x रो वैल्यू 4 आसला तो 4x रो वैल्यू 16 एठी x रो वैल्यू केते आसीबो को सर 4 पेरिमीटर मते पचार छी दैट मींस 16 प्लस 4 इनटू 2 दैट मींस 40 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन नंबर बी इज माय करेक्ट आंसर क्लियर बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन देख नेक्स्ट क्वेश्चन द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन ए एंड ट्रेन बी इज 1050 द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ट्रेन ए अच्छा स्पीड रो रेशियो ए आउ बी रो केते अछि मो पखरे ना सर 5:8 अछि देन द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन टू क्रॉस द पोल बाय ट्रेन ए एंड बी इज 6:5 अच्छा ट्रेन जते बेले गोटे पोल को क्रॉस करे केवल आउ केवल निजर लेंथ को क्रॉस करे तो स्पीड इनटू टाइम जदि मते मल्टीप्लाई करबे एठी ट्रेन ए रो लेंथ रो रेशियो आउ एठी ट्रेन बी रो लेंथ रो रेशियो मते मिलि जइबो रेशियो केते आसला 3:4 तो टोटल केते यूनिट 7 यूनिट क्वेश्चन ने केते देथला मते ना सर 1050 तो 1 यूनिट रो वैल्यू केते आसीबो को ना सर 150 आसीबो क्वेश्चन पचार ट्रेन ए रो लेंथ केते होबो त माने 3 यूनिट रो वैल्यू केते होबो ना सर 5450 ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर क्लियर जीवा आगु बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 7 रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल टू द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 7:10 अच्छा मते को एरिया ऑफ द सर्कल मोर कोन ना सर पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मते क्वेश्चन दे जी कोन ना सर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर दैट मींस सर 2 पाई आर एच रेशियो केते दे जी मते को क्वेश्चन ना सर 7/10 दे जी अच्छा देखो एठी वर्तमान क्वेश्चन मते आ कोन दे जी ना सर द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड द सिलेंडर इज इक्वल अच्छा रेडियस ऑफ द सर्कल और सिलेंडर मोर इक्वल अछि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इफ रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज मते केते दिजे ना सर 14 दिजे अच्छा ठीक अछि देखो सॉल्व करबे एबे वर्तमान क्वेश्चन देला कोन ना क्वेश्चन दिजे सिलेंडर रो जो रेडियस अछि मो पखरे 14 दिजे तो ये रेडियस जगह रे मो 14 पुट करि परिबि एठी मो रेडियस जगह रे 14 को पुट करि परिबि पाई पाई मोर कैंसिल हो गला ये 14 मोर कैंसिल हो गला अच्छा 2 रे को कैंसिल कलिए 7 दबो 7 7 भी मोर कैंसिल हो गला तो एच रो वैल्यू केते आसला ना सर एच रो वैल्यू मो पखरे 10 आसला जदि एच रो वैल्यू 10 आसला मते क्वेश्चन पचार छि वॉल्यूम केते हबो वॉल्यूम रो फार्मूला कोन को सिलेंडर रो ना सर पाई आर स्क्वायर एच दैट मींस सर 22/7 गुणन आर स्क्वायर रो वैल्यू केते आला ना सर 14 × 14 इनटू एच रो वैल्यू होची 10 7 रे कैंसिल करले 2 अच्छा एठी देखा मल्टीप्लाई वर्तमान करबा 14 × 28 28 10 केते गला 280 280 रे 2 मल्टीप्लाई करले केते हबो ना सर 560 × 11 दैट मींस सर 6160 ऑप्शन नंबर ए इज माय करेक्ट आंसर क्लियर बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 ए एंड बी एंटर इनटू द पार्टनरशिप विथ एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 3000 एंड 5000 आफ्टर 6 मंथ बी लेफ्ट द बिजनेस एंड सी जॉइंड विथ ए अच्छा देखो ए रे इन्वेस्टमेंट केते थला 3000 बी रे इन्वेस्टमेंट केते थला 5000 छ मास पर कोन हिची बी मोर छाड़ी गिरी जाई छी आ सी जॉइन हिची केते टका इन्वेस्टमेंट करी ना सर 4000 इन्वेस्टमेंट करी
at the end of the 1 year, that means ye 6 mas invest karchi, ye total 12 mas invest karchi. Ratio ko kete hoba na sir, 6 cancel kale mo pakare asibo 6:5:4, ye asibo kahar ratio na sir, profit ratio. Clear hoje profit ratio etike asala. Question deji profit obtained by A is 300 more than C. A C tharu kete tonga adhika rakhichi na sir, 2 unit. 2 ra value jodi 300 mate ko total profit kete year naba na sir 5 4 9 9 6 15 to 15 unit ra value kete 2 ra ko cancel kale kete asibo 150 to 15 ra multiply kale 2250 option number C is your correct answer. Hope ki question number 8 clear thibo. 9 number question ko jiba. Now number question, A invested rupees x in simple compound interest at 50% rate of interest per annum for 2 years. अच्छा देखो 50% rate of interest जदि लगौ जे दैट मींस मु कहि परबि 3/2 मोर मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो थरी कि 9 मोर कोनि जबो अमाउंट आ 4 मोर कोनि जबो कोन सर प्रिंसिपल एति के जिंस क्लियर. अच्छा इंटरेस्ट केते हो कह ना सर इंटरेस्ट मो पकरे 5 यूनिट आसीबो. देन क्वेश्चन देला बी इन्वेस्टेड 2500 टका इन सिंपल इंटरेस्ट एट 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम फॉर 8 ईयर. अच्छा 25% 8 ईयर पई त माने इंटरेस्ट केते आसीबो 200% त मु कहि परबी प्रिंसिपल जदी 1 अछि त अमाउंट केते हिजबो 3 आ मो पकरे इंटरेस्ट केते हिजबो ना सर 2 यूनिट. क्वेश्चन देला कोन ना इंटरेस्ट ऑब्टेन बाय ए एंड बी इज इक्वल एटी 5 ओटी एटी 2 अछि त याको 2 रे मल्टीप्लाई कर दियो याको 5 रे मल्टीप्लाई कर दियो. अच्छा याको 5 रे मल्टीप्लाई करले बी रो इन्वेस्टमेंट केते आसीबो 5 यूनिट. क्वेश्चन ने केते देथला कोन सर 2500 त ए रे वैल्यू केते आसीबो मु पखरे ना सर 500 त मते को एटी 8 रे वैल्यू केते आसीबो ए रे इन्वेस्टमेंट मते पचार थला दैट मींस ऑप्शन नंबर ए इज माय करेक्ट आंसर 4000 मोर परफेक्ट आंसर. क्लियर. लास्ट क्वेश्चन को जेबा क्वेश्चन नंबर 10. देखो क्वेश्चन नंबर 10, पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 12 आवर. ए गोटे टैंक को 12 घंटा रे फिल करची. व्हेन इट वर्क अलोंग विथ बी इट कैन फिल द टैंक इन 8 आवर. ए आ बी जदि मिसि के काम करजन त 8 घंटा रे शेष करजन त एलसीएम टोटल केते जो को अनुसार 24. एफिशिएंसी ए रा 2 एफिशिएंसी ए प्लस बी रा 3 त मते वर्तमान को बी रा एफिशिएंसी केते आसबा ना सर 1 आसीबो. क्वेश्चन दिजे कोन हाउ मेनी आवर कैन पाइप बी फिल द सेम टैंक इंडिपेंडेंटली. एकुटिया केते समय रे फिल करिवो 24 टोटल काम यूनिट पिछे केते काम करजे घंटा को ना सर 1 यूनिट करजे तो टोटल केते घंटा रे शेष होबो 24 घंटा. ठीक अछि तो नेक्स्ट वर्तमान दीटा क्वेश्चन तो मन पई होमवर्क रहइबो. ए क्वेश्चन को सॉल्व करबा कमेंट रे आंसर को प्रोवाइड करबा. मु नेक्स्ट क्लास रे समस्त आंसर को देखिबी आ जहां भी क्वेश्चन जदि डाउट थिबो त हम एको सॉल्व करबा अगेन क्लास रे. तो क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 ये दुटा क्वेश्चन तुमने सॉल्व करके रखते. ठीक अच्छे नेक्स्ट क्लास रे अगेन देखा होगा. थैंक यू सो मच.